हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं कनेक्टिव के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी एम्स की वैकेंसी से रिलेटेड। हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं, यानी कि आप सभी के लिए एम्स की तरफ से जो स्टाफ्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, एम्स की तरफ से आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम जरूर चर्चा करेंगे। जो वैकेंसी है आपको एम्स ऋषिकेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको डिवाइडेड की गई है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था वो 25 जनवरी को यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हुआ है। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और कंप्लीटली डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहाँ से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो वीडियो को अच्छी लगे और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 4 फरवरी। ठीक है, यानी कि 4 फरवरी तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 4 फरवरी तक आप क्या कर लें, इस वैकेंसी को अप्लाई कर लें। लेकिन जो सबसे बड़ा मौका है कि विदाउट एग्जाम आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको इंटरव्यू की डेट भी दे दी गई है। एक छोटा सा आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, तो वो इंटरव्यू रहेगा आपको 9 फरवरी को। ठीक है, 9 फरवरी का आपको यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो करवाया जाएगा। और आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो देख लीजिएगा कंप्लीटली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म विद द ऑल एसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मेल। यानी कि आपको क्या करना है, ये आपको मेल दी गई है, इस मेल के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको मेल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो भी कोर्स किया है, GNM BSc जो भी किया है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के और उसको क्या कर दो, इस मेल के ऊपर सेंड कर दो। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सेंड होने वाला है। अब चलते हैं वैकेंसीज की तरफ और डिटेल में यहाँ पर जो चर्चा है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। GNM जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी 21,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस की यहाँ पर चर्चा करूँ, अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का, अगर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप जरूर लगा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिल सकता है। तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूर लगा दें। ये देख लीजिएगा आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई थी, जिसके अंदर सैलरी आपको 21,000 आपको दी गई है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। उसके बाद में देख लीजिए आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके जो एसेंशियल जो डिग्री होने वाली है डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी का होना चाहिए। सैलरी आपकी 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। अगर बात करें डिजायरेबल एक्सपीरियंस की, तो अगर किसी के पास अगर फार्मेसी से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर लगा दे, क्योंकि आपको वहाँ पर इसमें बेनिफिट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद लास्ट एक वैकेंसी है, इसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट दी गई है, जिसके पास आपको हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर देख लीजिए 10th pass और 12th pass कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनके 10th pass और 12th pass कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी, ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, ज़्यादा बड़ी वैकेंसीज भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना ईमेल जो भी अगर इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं तो अपना मेल कर दें इस मेल के ऊपर। ये आपको देख लीजिएगा healthcare.doorsteps@gmail.com यहाँ पर आपको मेल दिया गया है। इस मेल के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है, और किस प्रकार से अप्लाई करना है वो चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूँ। एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद ऑल एसेसरी उसके अंदर ऐड करो। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कर दो और उसके बाद उसको ईमेल पर सेंड कर दो एक PDF बना के। ठीक है, तो अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट रह गया और इंटरेस्टिंग है वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, उनके सभी के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।